माउंट एवरेस्ट पूरे पृथ्वी में सबसे ऊंची जगह, समुद्री तल से 8,848 मीटर या 29,029 फीट की ऊंचाई पे है ये शिखर। लगभग 200 साल पहले 1802 से लेकर ब्रिटिश लोगों ने भारत के उत्तरी सीमा में स्थित इस विशाल पर्वत श्रृंखल को बारीकी से जानने के लिए कई सारे कोशिश किए थे। 1856 में इस पर्वत शिखर का आविष्कार होने के बाद कई सारे माउंटेनियर्स और रिसर्च टीम एवरेस्ट को जानने और क्लाइम करने के लिए जुट गए थे, लेकिन आविष्कार और नामकरण के 97 साल बाद 1953 में एडमंड हिलारी और तेंजिंग नोर्गे सबसे पहले एवरेस्ट के चोटी तक पहुंचने में सक्षम हुए थे। आज एवरेस्ट का आविष्कार और इसके ऊपर सबसे पहले चढ़ाई के बारे में जानेंगे, जो आपको हैरान कर देगा। कुछ माउंटेनियर्स के मुताबिक एडमंड हिलारी और तेंजिंग नोर्गे से भी पहले 1924 में दो पर्वतारोही एवरेस्ट पहुंचने में कामयाब हुए थे, लेकिन कोई पक्की सबूत ना होने के कारण उन लोगों को कोई क्रेडिट नहीं दी गई। तो कैसे हुआ एवरेस्ट समिट और कौन थे वो माउंटेनियर, ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए आउट ऑफ सिलेबस के साथ। एवरेस्ट का प्राचीन नाम था कोमोलुंगमा, टिबेट भाषा में जिसका अर्थ होता है पवित्र माता या होली मदर। कोमोलुंगमा का नाम सबसे पहले 1721 का एक चाइनीज ट्रांसक्रिप्शन कांगजी एटलास से मिली थी। उस ट्रांसक्रिप्शन में कोमोलुंगमा पर्वत को चाइनीज भाषा में शेंगमू फेंग के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पवित्र माता का पर्वत यानी द होली मदर्स पीक। बाद में इसी ट्रांसक्रिप्शन से यूरोप के लोगों को इस पर्वत के बारे में पता चला था। 1802 में ब्रिटिश के तरफ से भारत में द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ, जिसका मकसद था भारत के जियोग्राफिकल लोकेशंस को बारीकी से जानना। इस संस्था को और एक काम दिया गया था, वो था भारत में सारे पर्वत को आइडेंटिफाई करना, उसके एग्जैक्ट हाइट और लोकल नाम का पता लगाना। ऑर्डर्स के मुताबिक सर्वे करने वाले सदस्यों ने साउथ इंडिया से शुरुआत करके कई सारे पर्वतों को स्टडी करने के बाद 1830 में वो लोग हिमालय के फुटहिल्स में आ पहुंचे। लेकिन उस वक्त नेपाल सरकार के तरफ से ब्रिटिश सदस्यों को नेपाल में एंटर नहीं करने दिया गया। ना चाहते हुए भी ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे टीम मेंबर्स नेपाल के साउथ प्रोविंसेस में मौजूद तेराई नाम के एक जगह से सर्वे करना शुरू किया और वहां पे टेम्पररी कैंप तैयार करके थियोडोलाइट के जरिए पर्वतों के शिखर में नजर रखना शुरू हुआ। 1847 में उस वक्त का ब्रिटिश सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया एंड्रयू वाओ और उनकी टीम ने एक इनकम्प्लीट रिपोर्ट पेश किया था। उस रिपोर्ट को बनाते वक्त सर्वे टीम कांचनजंगा को ही सबसे ऊंची शिखर मान के चल रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ और एक शिखर को उन लोगों ने ऑब्जर्व किया और रिपोर्ट में उसको पीक बी कह के मेंशन किया गया। ये पीक बी असल में आज का माउंट एवरेस्ट होने वाला था। एंड्रयू वाओ के टीम ने उस पीक बी के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस वक्त तेराई में मलेरिया का प्रकोप दिखाई दिया था और उनके तीन सर्वे ऑफिसर्स मलेरिया से मारे गए थे। एंड्रयू वाओ और उनके टीम वापस आने के दो साल बाद 1849 में फिर से उनके आदेश लेकर जेम्स निकोलसन को भेजा गया उस पर्वत के बारे में पता लगाने के लिए। निकोलसन 5 अलग अलग जगह से 30 से भी ज्यादा रीडिंग कलेक्ट करके पटना में लौट आए और उनके कैलकुलेशंस के मुताबिक पीक बी का एवरेज हाइट निकला 9,200 मीटर। बाद में 1852 में निकोलसन के रीडिंग लेकर फेमस इंडियन मैथमेटिशियन राधानाथ शिकदार फिर से कैलकुलेट करके इस पीक बी को पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत बोल के दावा किया। बाद में राधानाथ शिकदार के कैलकुलेशंस लेकर एंड्रयू वाओ और उनके द ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे का दूसरे टीम मेंबर्स जांच पड़ताल करने के दो साल बाद 1854 में ये नतीजे पर पहुंचे कि पीक बी का ऊंचाई कांचनजंगा से भी ज्यादा है। एंड्रयू वाओ उनके सीनियर और फॉर्मर ब्रिटिश सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस शिखर का नाम दिया माउंट एवरेस्ट। 1856 में जाकर पहली बार इंटरनेशनली माउंट एवरेस्ट नाम का घोषणा की गई। 1856 में माउंट एवरेस्ट का आविष्कार के बाद 1885 में सबसे पहले
अल्पाइन क्लब के प्रेसिडेंट डॉक्टर क्लिंटन थॉमस द्वारा लिखे हुए एक किताब अबव द स्नो लाइन में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का सुझाव दिया गया था। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए दो पॉसिबल रूट था, तिब्बत के तरफ से नॉर्थ साइड और नेपाल के तरफ से साउथ साइड। इनमें से नॉर्थ साइड तिब्बत की तरफ से ट्रेक करने का रूट को आविष्कार किया था जॉर्ज मिलरी और गाय बुलॉक ने। 1921 में ब्रिटिश रेकोनिसेंस एक्सपीडिशन के तरफ से जॉर्ज मिलरी नॉर्थ साइड से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की कोशिश की थी और पहली कोशिश में मिलरी की टीम 7,005 मीटर या 22,900 फीट तक चढ़ाई कर पाए थे। उस ऊंचाई से मिलरी ने एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने के लिए एक रूट मैप भी तैयार किया था, लेकिन उनके टीम उस वक्त और चढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,800 मीटर से भी ज्यादा, और 8,000 मीटर के आसपास की ऊंचाई से एवरेस्ट की चोटी तक उस जगह को डेथ जोन कहा जाता है, जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा समुद्री तल में मौजूद ऑक्सीजन का एक तिहाई होता है। मिलरी और उनके टीम मेंबर्स के पास उस 1,000 मीटर के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं था। इसके अलावा एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है अप्रैल मई का महीना। मई महीने की शुरुआत में चढ़ाई शुरू करने पर जुलाई के बीचों बीच एवरेस्ट तक पहुंचा जा सकता है। इस 2.5 से 3 महीने के अलावा साल के बाकी समय पे हिमालय के उस जगह पे वेदर चढ़ाई के लिए अनुकूल नहीं होता है, तो उस साल समय और ऑक्सीजन इस दो चीज की कमी होने के कारण मिलरी और उनके टीम वापस लौट गए। लेकिन उस वक्त तक मिलरी और उनके टीम उस रीजियन में 7,000 मीटर तक चढ़ाई करने वाले सबसे पहला टीम था। एक साल बाद 1922 में जॉर्ज फिंच नाम के एक माउंटेनियर सबसे पहले आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेकर एवरेस्ट पे चढ़ाई करने का कोशिश किया और वो 8,000 मीटर तक चढ़ने में कामयाब भी हुए। उस साल मिलरी और उनके टीम भी एवरेस्ट पे चढ़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन एवलांच आने के कारण उन लोगों को वापिस लौटना पड़ा। उस एवलांच के आने पर मिलरी के कई सारे टीम मेंबर्स घायल हुए और 7 लोकल पोर्टर्स अपने जान गंवा बैठे। इस घटना के 2 साल बाद 1924 में फिर से जॉर्ज मिलरी और उनके टीम एवरेस्ट पे चढ़ाई करने की कोशिश की और जून महीने की शुरुआत में वो लोग 7,000 मीटर तक ऊपर चढ़ चुके थे, लेकिन बाकी बचा रास्ते पर बहुत सारी बाधाएं आने लगी। मिलरी के टीम से 3 एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर को एक्सट्रीम वेदर से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने के वजह से वापस नीचे लौटना पड़ा और खराब वेदर के वजह से समय भी खत्म हो रहा था। 8 जून 1924 आखिरकार वेदर अचानक साफ देखकर मिलरी एंड्रयू इरविन नाम के एक युवा साथी को लेकर एवरेस्ट की ओर निकल पड़े। मिलरी और इरविन के 500 मीटर पीछे ओडेल नाम के एक जियोलॉजिस्ट और माउंटेनियर सपोर्ट क्लाइंबर के तौर पे मिलरी को फॉलो कर रहे थे। जब सिर्फ 250 मीटर चढ़ाई बाकी रह गई थी तब अचानक वेदर फिर से खराब हुआ और बर्फीला तूफान से सब कुछ ढक गया। मिलरी और इरविन से 500 मीटर पीछे रहने वाले ओडेल आखिरी बार के लिए उस तूफान में मिलरी को द सेकेंड स्टेप के पास जाते हुए देखा था। 2 दिन बाद वेदर शांत होने पर कई दफा सर्च ऑपरेशन के बाद भी मिलरी और इरविन का कोई पता नहीं चला। यहीं से हिस्टोरियन और माउंटेनियर्स में दो कॉन्फ्लिक्ट आता है। कुछ लोग मानते हैं कि मिलरी एवरेस्ट तक चढ़ाई करने में कामयाब हुए थे, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि एवरेस्ट तक पहुंचने से पहले ही खराब वेदर की चपेट में आकर वो लोग अपने जान गंवा बैठे। बाद में 1933 में सेकेंड स्टेप के पास एक माउंटेनियर्स की टीम ने इरविन के आइसैक्स खोज निकाला था। फर्स्ट स्टेप के पास उन लोगों द्वारा यूज किए गए ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिला। कंट्रोवर्सी और भी बढ़ गई जब 1999 में और एक माउंटेनियर्स की टीम ने पहाड़ पर से जॉर्ज मिलरी के बॉडी को खोज निकाला। मिलरी के बॉडी मिलने के बाद कुछ और नया सवाल खड़ा हुआ। सबसे पहला सवाल आता है मिलरी के गॉगल्स या चश्मे को लेकर, क्योंकि मिलरी के गॉगल्स उनके पॉकेट में रखी हुई थी। सपोर्ट क्लाइंबर ओडेल के इंटरव्यू के मुताबिक मिलरी को द सेकेंड स्टेप के आसपास देखा गया था दोपहर 12:50 के आसपास। वहां से मिलरी को एवरेस्ट की चोटी तक का रास्ता तय करने में 4 बज जाना चाहिए, यानी मिलरी अगर सच में एवरेस्ट तक पहुंचे थे तो वापस लौटने से पहले अंधेरा हो गया था और ठीक से ना दिखाई देने के कारण शायद मिलरी ने अपने गॉगल्स उतार के पॉकेट में रखे थे। इसके अलावा मिलरी के पॉकेट से कई सारे चीज मिली थी, लेकिन उनमें से उनके वाइफ की फोटोग्राफ मिसिंग था। मिलरी उनके वाइफ को प्रॉमिस किए थे कि अगर वो एवरेस्ट पे पहुंचने में सफल हुए तो वो फोटोग्राफ को एवरेस्ट पर ही छोड़ आएंगे। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकता है। मिलरी सच में उस दिन एवरेस्ट तक पहुंचे थे और उस फोटोग्राफ को ऊपर ही छोड़ आए थे,
या तो फिर तूफान आने के बाद ही इरविन और मैलरी पहाड़ से गिरने के समय वो फोटोग्राफ किसी तरह से पॉकेट से गिर गई होगी। मैलरी एवरेस्ट पे पहुंचा था या नहीं, इसका सबसे बड़ा सबूत है मैलरी के कैमरा। लेकिन जहां से मैलरी की बॉडी मिली थी वहां पे आसपास कोई कैमरा नहीं मिला था, इसीलिए आज भी मैलरी का अचीवमेंट्स मिस्ट्री बनके रह गई है। इसके 30 साल बाद वाला स्टोरी सब जानते हैं। 1953 में 29th ऑफ मई सुबह 11:30 के आसपास नेपाल से होकर साउथ की तरफ से एवरेस्ट पे पहुंचे थे एडमंड ढिलारी और तेंजिंग नोर्गे, जिन लोगों का नाम आज इतिहास बन चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस पूरे वीडियो को बंगाली वर्षन में देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को जरूर चेक कीजिए। वीडियो को लेकर या चैनल को लेकर अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये था आउट ऑफ सिलेबस की तरफ से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आउट ऑफ सिलेबस को। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ।